Welcome to our channel प्रकाश ड्रीम टीम। ये अबू धाबी T10 का जो मैच चल रहा है, इसका दूसरा मैच जो होने वाला है पुणे डेविल्स वर्सेस डेक्कन ग्लेडियर्स के बीच होने वाला है। अबू धाबी T10 का बहुत दिनों से इंतज़ार चल रहा था, जिसमें कि बहुत सारे जो मेन प्लेयर हैं, जैसे कि आपको किरण ब्राड हो गए, सुनील नारायण हो गए, इस तरह का जो टीम है उनका जो T20 में जो फॉर्मेट है, देख के लगता था कि T10 में भी उनका क्या जलवा रहेगा। इसलिए वो T10 का मुकाबला अबू धाबी का जो चल रहा है बहुत ही ज़्यादा रोमांचक होने वाला है। इसमें जो पहला मैच होने वाला था उसका मैंने वीडियो बनाया, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग लिंक दे देंगे। ये दूसरा मैच जो होने वाला है पुणे डेविल्स वर्सेज डेक्कन ग्लेडियर्स के बीच होने वाला है। पहले प्लेइंग 11 का बात कर लेते हैं पुणे डेक्कन्स का। पुणे का देखा जाए तो डी थॉमस जो है विकेट कीपर के रूप में आते हैं, वेस्ट इंडीज़ से आते हैं, बहुत ही अच्छा बैटिंग करते हैं, उसका उनको मौका मिलेगा। फिर के लेविस, चैडविक वार्टन, डी रसूली, नासिर हुसैन, केसी करण, मोहम्मद आमिर एंड एस विलजॉन, फिर मोहम्मद अंसारी, बी अरविंद विकेट कीपर जो बहुत ही अच्छे फॉर्म से गुजर रहे थे, टीके कॉडमरे, ये बहुत ही अच्छा इंग्लैंड के एक प्लेयर है, T10 के स्पेशलिस्ट मेरे ख्याल से, बहुत ही अच्छा बैटिंग करते हैं। उसके बाद जो बेंच पे बैठे हैं मेरे ख्याल से एम्बुटा, डेविड मलान जो अभी BBL खेल रहे हैं, ए खान, मुशादक हुसैन और एस विंसेंसी। इस तरह देखा जाएगा तो पुणे का ये प्लेइंग 11 होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डेक्कन ग्लेडियर्स का देखा जाएगा तो जो उसके होंगे इस टीम में बहुत सारे प्लेयर जो है मस्त प्लेयर हैं, जैसे मोहम्मद सजाद जो अफगानिस्तान के हैं, बहुत अच्छा शुरुआत देते हैं, कोलिन इंग्राम, सी डेलपोर्ट, सुनील नारायण, किरण प्लाट, नवाज अली, इमरान ताहिर बॉलिंग, रवि रामपाल, एस उमर्स, एच ताहिर एंड जेट खान मेरे ख्याल से BBL खेल रहे हैं, तो हो सकता है जेट जमीर को खिलाया जाएगा। बेंच पे जो है ए खान, पी गुप्ता, वाई कलीम, जे अहमद, जे जमीर एंड एच आर रहमान हो सकता है कि बेंच पे बैठेंगे। इस तरह से जो प्लेइंग 11 है उसमें मुझे DGA का जो है पलटा थोड़ा भारी लग रहा है, क्योंकि ओपनिंग जो है मेरे ख्याल से सुनील नारायण के साथ मोहम्मद सजाद आएंगे, उसके बाद फर्स्ट डाउन हो सकता है कि किरण प्लाट खुद आ जाए या सी डेलपोर्ट को देंगे, तो मेरे ख्याल से इसके बाद फिर आपका बॉलिंग में इमरान ताहिर, रवि रामपाल, ये संसूर बहुत ही अच्छे हैं। इस तरह से देखा जाएगा तो टीम का प्लेइंग 11 यही होगा। अगर प्लेइंग कोई प्लेयर नहीं खेलता है तो आप टीम चेंज कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो ड्रीम टीम बनाते हैं, ड्रीम टीम में देखा जाएगा तो मैंने दोनों प्लेयर को संयुक्त रूप से देख के मैंने प्लेइंग 11 बनाया है, जिसमें मोहम्मद सफात, के लेविस, चैडविक वाल्टन, कोलिन इंग्राम, मैंने इसमें 12 प्लेयर लिया है, जिसमें कोलिन इंग्राम, सी डेलपोर्ट की जगह पर होता है मोहम्मद आमिर को हम खिलाएंगे, टीके कैडमोरे को रखेंगे इंग्लैंड का बहुत ही अच्छा है, फिर सुनील नारायण, किरण प्लाट, इमरान ताहिर, रवि रामपाल, एच विलजॉन एंड मोहम्मद आमिर। इसमें से सबसे मेरा फेवरेट रहेंगे सुनील नारायण, दो तीन टीम में जो बनाएंगे उसमें सुनील नारायण कैप्टन रहेंगे और मोहम्मद सजाद वाइस कैप्टन एक में रहेंगे, एक में के लेविस को वाइस कैप्टन बनेगा, एक में टीके कैडमोरे को। किरण प्लाट हो सकता है कि फर्स्ट या सेकंड डाउन आएंगे तो थोड़ा मेरे ख्याल से बॉल कम खेलने को मिलेगा, और इसमें कोलिन इंग्राम या डेलपोर्ट की जगह पर मोहम्मद आमिर को हम खिलाना प्रीफर करेंगे, इसलिए मैंने 12 टीम का प्लेयर चुना है। आप भी अपना ड्रीम लीग या स्मॉल लीग जो भी खेलना है उसमें प्लेयर को बनाइए। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन बटन को हिट करें जिससे मेरे नोटिफिकेशन होगा।